गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मम्मी मंगोड़े तैयार कर रही हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मंगोड़े तैयार करने के लिए दाल धो रही हूँ। इनको अभी पीस के धनिया वगैरह मिर्ची वगैरह काटूंगी, फिर बनाऊंगी। तो लेकिन बाद में खाऊंगी, ये लोग पहले खा लेंगे। ये लोग खाने पीने में पहले अटैक करते हैं, बाकी सब काम में पीछे। आधा किलो दाल मैंने भिगो दी थी, काफी टाइम लगता है। 1.5 बाल्टी पानी लग गया है इनको धोने में। जतिन किधर गया है? जतिन दूध लेने गया है, जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा अभी गाल पे छपने वाले हैं, जल्दी से पहुंच। काम की बोल दो तो सुनेंगे नहीं, वैसे सारे दिन कुत्ते की तरह घूमते रहेंगे। हेलो गाइस, अभी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में पकौड़े और केचप और चाय। पकौड़े मूंग की दाल के, ये तीनों खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही अभी। गाइस सही से, तो ये देखिए गाइस, ये है केचप, किसान केचप और चाय, और ये पकौड़े। खाओ ना, चेक करके बताओ। गरम है अभी। सच्ची में झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं वीडियो में दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, एक नंबर। क्योंकि मैंने मसाला वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया है, एकदम बराबर है सब। खाएगा कि नहीं? तो गरम तो मैं भी जी रहता है ज्यादा। गरम तो होने दो, इसको तो लाया ही नहीं। अच्छे मूंग दाल के पकौड़े, सही पीसी है ना दाल? मोटी मोटी पीसी थी मैंने, बारीक नहीं पीसी। नाश्ता खाओ, दबा मैं बना रही हूँ और भी ज्यादा। गाइस फिलहाल ये लोग खा रहे हैं पकोड़े चाय के साथ में, ये देखिए, और मैं बना रही हूँ। ये रही मेरी रसोई, ये रही कढ़ाई, अब मैं इसमें डालूंगी। ये रही मेरी दाल, इनके चलो आज इनके लिए नाश्ते में गर्मा गर्म मूंग के पकोड़े बना देते हैं, मूंग दाल के। मैं तो खाऊंगी नहा के, पूजा करने के बाद ना। ओप्पो इतनी जल्दी प्लेट भी खाली कर दी गाइस, ये देखो मुझे आ गया इनको। जब तक और से कर रही हूँ ना, जब तक चाय पीना। सो हेलो गाइस, इस समय टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं और मेरे चाय पकौड़े अब गिट्टी का क्या भाई, ठंड सी लग गई। जतिन तो तीसरी बार खा रहा है ना? मेरा वो ठंड डाल दे मुझे। तो गाइस अब मैं भी चेक करती हूँ, इन लोगों ने पता नहीं खाने में लगे हुए हैं सवेरे से। मैं 38 पकौड़े तो खा गया ना। 38? 38 पकौड़े खा गया है। मजा आ रहा है मेरा मुंह पे जा रहा है। इसने सोचा कि चाय ठंडी है, लेकिन चाय गर्म थी और पी गया एकदम से। कैसे मजा आया चाय पीने में?
फॉर्चूनर जैसे सौरभ जैसे फॉर्चूनर ठुक गई बेचारे की। हेलो गाइस, इस समय टाइम हो रहा है 10:05 और मेरा डिनर इन लोगों ने तो खा लिया, दोनों ने बाजरे की रोटी और टमाटर आलू की सब्जी। तो गाइस मैं भी अब डिनर करती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और मुझे बर्तन भी अभी साफ़ करने हैं, सर्दी का टाइम है। इन दोनों को देखो फ़ोन लेते ही शकल, क्या हुआ 12 बज गया या 14? 18 एक एक झापड़ खा लो मेरे हाथ का, देखो पता चल जाएगी कितने बजे। 5 बजेंगे जब 5 बज जाएंगे है। ट्यूशन में काम क्या मिला आज? वैसे पकौड़े खा के काफी सुबह दोपहर शाम को इतना हाथ से ज्यादा खाएगा पकौड़े तो क्या होगा बोल रहा है पेट खराब हो गया, जबकि मेरे पकौड़ों में कोई मिर्ची ज्यादा नहीं थी, नॉर्मली तो थी लेकिन हाँ ज्यादा नहीं थी जितनी डलनी चाहिए थी उतनी डली थी, लेकिन लिमिट से ज्यादा रोटियों का तो नाम ही नहीं लिया। मंगोड़े मैंने चाय 58 खाए। ओहो 58 ना सकल देखी है, काउंटिंग कर रही थी तो यही याद नहीं है कि तूने खाए कितने हैं। बताऊं सच बता रहा हूँ 86 झूठे, कितना झूठ बोलता है। हेलो गाइस, सो इस समय टाइम हो रहा है 11:30 और मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है, दीपक भी सो गया, ये देखिए नहीं तो जतिन भी सो रहा है आज तक, पंखा चला के दो पंखे चल रहे हैं इसके लिए तो पता ही नहीं इसको नया ना कितनी गर्मी लगती है, काफ़ी डांटो फिर भी चला लेगा, बोला कि तुम सो जाओगी मैं फिर चला लूँगा और जिद्दी है। तो गैस आज के मूंग की दाल के मंगोड़े बहुत ही टेस्टी बने, जो कि सुबह तो खाना भी नहीं खाया था वही खाए थे, दोपहर को भी थोड़ा वही खाया, मैं तो खैर दोपहर को ही खाया था, सुबह मैंने खाए थे, दोपहर को काफ़ी लेट हो गई थी समथिंग 2:30 था जब जाके मैंने लंच किया। तो गाइस इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।